नमस्कार, न्यूज 18 सहरसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराजन। हिंसापीड़ित महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे पूरी मदद मिलेगी। दरअसल भारत सरकार द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर जो है वो हर एक ज़िले में संचालित है। समाहरणालय परिसर में आपको ये वन स्टॉप सेंटर मिलेगी, जहाँ पर आपको हिंसापीड़ित महिलाओं को वो तमाम मदद जो है वो पहुँचाया जाता है। आपको बता दें कि चाहे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिला हो या एसिड अटैक से संबंधित महिला हो, चाहे पुलिस की सहायता अगर आपको नहीं हो तो आप जो है इस वन स्टॉप सेंटर की सहायता से आप उसकी मदद ले सकते हैं। यहाँ तक कि एफआईआर में भी सहयोग कराने में ये महिला जो है मैं जो वन स्टॉप सेंटर है वो मदद करती है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा ये वन स्टॉप सेंटर जो है वो बनाया गया। हर एक ज़िले में आपको यह वन स्टॉप सेंटर मिलेगी, जहाँ पर आपको हिंसा पीड़ित महिलाओं को जो मदद पहुँचाया जाता है वो वन स्टॉप के माध्यम से पहुँचाया जाता है। अगर आपको आपातकालीन सहायता लेनी हो वन स्टॉप सेंटर से तो आप 181 हेल्पलाइन नंबर पर आप इसकी सहायता ले सकते हैं। तो हम बता दें कि किस किस प्रकार की सहायता इस वन स्टॉप सेंटर से आप ले सकते हैं। दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें आपको कार्यस्थल पर यौन हिंसा, महिलाओं के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, रास्ते में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के साथ यौन हिंसा, दहेज उत्पीड़न, आपातकालीन आश्रय, परामर्श, चिकित्सीय सुविधा, तत्काल पुलिस सहायता, एफआईआर में सहयोग, विधिक सहायता के अलावे जो आपको यहां पर एक ही छत के नीचे आपको जो तमाम मदद है वो आपको मिल पाएगी। देखिए, इस मामले को लेकर जो वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी है मुक्ति श्रीवास्तव, वो क्या कुछ कह रही हैं पहले वो आप सुने। मैं वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रशासक हूँ यहाँ, और मैं वन स्टॉप सेंटर में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ जितने भी ऐसी महिलाएं जो हिंसा से पीड़ित हो, चाहे वो दहेज के लिए हो, बाल विवाह के लिए हो, कार्यस्थल पर से संबंधित हो, ऐसी महिलाओं के लिए कानूनी सलाह और काउंसलिंग, और साथ में उनके अगर ऐसी आवश्यकता हुई तो उन्हें आपातकालीन आवास का भी व्यवस्था किया जाता है। हमारे वन स्टॉप सेंटर में ऐसी महिलाएं आती हैं जो बहुत ही पुअर फैमिली से होती हैं, उनके पास कोर्ट कचहरी या न्यायालय जाने के लिए या खाने पीने तक के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम उन्हें आपातकालीन चिकित्सा के साथ साथ कोर्ट कचहरी और के खर्च का भी उनका व्यवस्था कराते हैं। उन्हें निःशुल्क कानूनी सलाह और निःशुल्क साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों उनको देते हैं। किसी तरह की कोई अगर रहने की व्यवस्था कराना हो तो उन्हें चिकित्सीय व्यवस्था भी हमारे अस्पताल से जोड़ करके उनको दिया जाता है। और जितने हमारे पास एक ऐसी महिलाएं आई थी, जिस एक ऐसा केस था जिसका हमने अच्छे से मतलब बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके हमने उसके परिवार को बसाया है, उसे सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर ही सांवला कह करके उसके पति ने उसे निष्कासित कर दिया था, घर से निकाल दिया था, और दूसरी शादी करने की व्यवस्था में वो टाउन से बाहर चला गया था। तो वो उसको 1-1.5 महीना मायके में रही, और जैसे उसे पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं उसके पति, तो उन्होंने हमें खबर किया, हमारे पास कंप्लेन लेकर के आई रोन, तो हम उसे उसकी दूसरी शादी रोके भी हैं और लड़का का काउंसलिंग करके और अच्छे तरीके से इस वक्त वो दोनों पति पत्नी अपने घर में शांतिपूर्वक रह रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। अगर हेल्प लेना कोई महिला चाहती है तो वो कौन से टोल फ्री नंबर है हमारे यहाँ? स्टेट का 181 टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप कभी भी कहीं से भी कंप्लेन कर सकते हैं। और हमारा सहरसा जिला का मोबाइल नंबर है 9771468027, ये भी 24 आवर्स ऑन रहता है। ये मोबाइल नंबर मेरे पास अवेलेबल रहता है हमेशा, कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते किया जा सकता है इस नंबर पे। क्या घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना और कार्यस्थल पर हिंसा, लैंगिक हिंसा से संबंधित, यौन शोषण, तेजाब हत्या या तेजाब कांड, या अगर एफआईआर कहीं नहीं दर्ज होता है, किसी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता है, तो हम अपने स्तर से भी एफआईआर दर्ज कराने में उनका सहयोग करते हैं। ये बताइए, सहरसा में वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ 2019 से स्टार्ट है,
और महिला सशक्तिकरण भवन कलेक्ट्रेट कैंपस में स्टार्ट है ये 2019 से। अब तक हमने अच्छे से वन स्टॉप सेंटर का हर एक केस पे ध्यान दिया है। अभी तक